नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा और बड़ी खबर मिल रही है, हाथरस से जुड़ी बड़ी खबर है। योगी सरकार आज दायर करेगी हलफनामा। बड़ी खबर है इस वक्त की हाथरस से, योगी सरकार आज दायर करेगी हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दायर करेगी। परिवार और गवाहों की सुरक्षा पर मांगा था हलफनामा, तो बड़ी खबर है इस वक्त की, परिवार और गवाहों की सुरक्षा पर मांगा था हलफनामा। परिवार को कानूनी सहायता की जरूरत पर हलफनामा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले के स्टेटस की भी जानकारी देगी सरकार। लगातार पीड़िता के परिवार को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उसी को देखते हुए हलफनामे की बात सामने आई है। हाथरस कांड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। हाथरस मामले में आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में यूपी सरकार से गवाहों और परिवार की सुरक्षा के अलावा पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं, इस पर हलफनामा मांगा है। इसके अलावा इस केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेटस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हाथरस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने पूछा है कि हम पीड़ित पक्ष और गवाहों की सुरक्षा की यूपी सरकार के बयान को दर्ज कर रहे हैं, आप हलफनामा दाखिल करें। बड़ी खबर है इस वक्त की, परिवार और गवाहों की सुरक्षा पर मांगा था हलफनामा। परिवार को कानूनी सहायता की जरूरत पर यह हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दायर करेगी। तो हाथरस मामले में जुड़ी ये खबर। हाथरस कांड में विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों के बीच पुलिस प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हाथरस कांड की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन के बाद अब यहां अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को भेजे जाने का कदम उठाया गया है। एडीजी राजीव कृष्ण और डीआईजी शलभ माथुर को यह विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजीव कृष्ण को अलीगढ़ रेंज में और डीआईजी शलभ माथुर को हाथरस में 7 दिनों तक कैंप कर सभी पुलिस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। राजीव कृष्ण 7 दिनों तक अलीगढ़ रेंज के जिलों का भ्रमण करेंगे और वहां की पुलिस व्यवस्था का जायजा लेंगे। एडीजी वहां सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वो अधिकारियों, सांप्रदायिक और सामाजिक विरोधी तत्वों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की गहनता से समीक्षा करेंगे। डीआईजी शलभ माथुर को हाथरस में युवती के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। कहा है कि युवती के घर में सीसीटीवी कैमरों से लेकर पूरे परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। डीआईजी को चंदपा थाना क्षेत्र में ही कैंप करने को कहा गया है। वहीं स्थानीय जाति तनाव को देखते हुए क्षेत्र में भ्रमण कर सभी वर्ग के लोगों से मिलने और उनके बीच फिर से सौहार्द कायम करने की कार्ययोजना बनाएंगे।